अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स. आज क्लास 10th इंग्लिश और चैप्टर का नेम है द स्नेक एंड द मिरर, रिटन बाय V.M. बशीर. इसके शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे हिंदी अनुवाद सहित. हु टेल्स हिज टेल, व्हाट इज हिज प्रोफेशन. तो द नरेटर टेल्स हिज टेल एंड ही इज अ डॉक्टर. नरेटर अपनी कहानी सुना रहे हैं इस पार्ट में और वो एक डॉक्टर हैं. व्हेन डिड द डॉक्टर रीच होम, व्हाट फर्स्ट थिंग डिड ही हियर देयर. उन्होंने वहाँ पर सबसे पहले क्या सुना. डॉक्टर रीच्ड होम एट नाइट, रात्रि में डॉक्टर पहुँचे अपने घर. ही हर्ड अ नॉइस फ्रॉम अबव, उन्होंने ऊपर से कोई एक आवाज़ सुनी. एज ही ओपन द डोर, जैसे उन्होंने दरवाजा खोला. इट वॉज द रैट्स रनिंग साउंड, और यह रैट्स की रैट चूहों के दौड़ने का शोर था. वॉज द हाउस इलेक्ट्रीफाइड, इफ नॉट वॉट डिड द डॉक्टर डू टू लाइट इट. अगर घर में बिजली नहीं थी तो डॉक्टर ने इसके लिए क्या किया. नो आंसर है कि नहीं, हाउस इलेक्ट्रीफाइड नहीं था. डॉक्टर लाइटेड द केरोसिन लैम्प, उन्होंने जो मिट्टी के तेल की लैम्प जलाई टू लाइट द रूम, कमरे में प्रकाश करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वर द डॉक्टर्स अर्निंग मीगर, जो डॉक्टर की जो आय थी बहुत ही कम क्यों थी. डॉक्टर्स अर्निंग्स वर मीगर बिकॉज ही हैड जस्ट स्टार्टेड हिज मेडिकल प्रैक्टिस, क्योंकि उन्होंने अभी अभी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था. फाइव क्वेश्चन, विच आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग डिड ही टेक ऑफ एंड व्हाट डिड ही डू देन, उन्होंने कौन कौन से आर्टिकल्स को लिया. व्हाट डिड ही डू देन, फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उतारा, क्या क्या उतारा. पहले ही टुक ऑफ हिज ब्लैक कोट, उन्होंने पहले अपने ब्लैक कोट उतारा, अ वाइट शर्ट एंड वेस्ट एंड हंग देम अप, और उनको उतार कर कहीं खूंटे पर टांग दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रेंटेड रूम द डॉक्टर लिव्ड इन, उस कमरे का वर्णन करो जिसमें डॉक्टर रहते थे. इट वॉज एन आउटर रूम, यह बाहर का कमरा था. विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, जो कि एक दीवार उनकी यार्ड की तरफ थी. इट हैड अ टाइल रूफ, इसकी जो रूफ छत थी वो टाइल्ड थी, उसमें टाइल लगे थे. विद लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स, और इसमें गैबल्स थे जो लट्ठे. दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, जो कि दीवार के ऊपर टिके हुए थे. व्हाई डिड द डॉक्टर गो टू द वरांडा, व्हाई वाज दैट ही डिसअपॉइंटेड, तो डॉक्टर वरांडा में क्यों गए, वो डिसअपॉइंटेड क्यों थे. तो डॉक्टर वेंट टू द वरांडा फॉर अ लिटिल एयर, थोड़ी सी हवा पाने के लिए वो वरांडा में गए. बिकॉज द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ, जैसे लगा कि विंड गॉड ने जैसे कि छुट्टी ही ले ली हो, हवा चल नहीं रही थी इसलिए. वॉट इम्पॉर्टेंट डिसीजन डिड द डॉक्टर टेक वैन ही टुक अ क्लोज लुक एट हिज फेस इन द मिरर, तब डॉक्टर ने अपना चेहरा मिरर शीशे में देखा, तो उन्होंने क्या जो देखा तो क्या डिसीजन किया. तो डॉक्टर टुक द डिसीजन दैट ही वुड शेव डेली, डॉक्टर ने ये निर्णय किया कि वो प्रतिदिन शेव किया करेंगे, अपनी दाढ़ी बनाएंगे. एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच, और पतली सी जो मूछ है वो उगाएंगे. टू लुक मोर हैंडसम, जिससे कि वो और सुंदर दिखें. विच टाइप ऑफ वुमन डिड ही वॉन्ट टू मैरी, किस प्रकार की महिला से वो विवाह करना चाहते थे. डॉक्टर वॉन्टेड टू मैरी अ रिच फैट वुमन डॉक्टर हु कुड नॉट रन फास्ट, तो वो इस प्रकार की महिला से विवाह करना चाहते जो बहुत तेज दौड़ ना सके और मोटी और धनी हो. आफ्टर स्लिदरिंग अलोंग हिज शोल्डर्स व्हाट डिड द स्नेक डू, जो राइटर के कंधों से सरकते हुए स्लिदरिंग सरकते हुए स्नेक ने क्या किया. तो आंसर लिखेंगे, आफ्टर स्लिदरिंग अलोंग हिज शोल्डर्स, राइटर के कंधे से सरकते हुए द स्नेक क्वाइल्ड अराउंड, क्वाइल्ड जो उसने कुंडली बना ली, हिज लेफ्ट आर्म, उनकी बाएं भुजा की तरफ, अबव द एल्बो, उनकी कोहनी से ऊपर. 11th क्वेश्चन है, द स्नेक क्वाइल्ड अराउंड हिज लेफ्ट आर्म, स्नेक ने अपने आप को क्वाइल कर लिया था अपनी उनकी बाएं भुजा में. देयर वॉज सम पेन इन हिज आर्म, और उनके उसमें कुछ पेन भी हो रहा, दर्द भी हो रहा था बाह में. व्हाट डिड ही डॉक्टर कंपेयर द स्नेक विद, तो डॉक्टर ने किस चीज़ से उसकी तुलना की उस स्नेक की. तो डॉक्टर कंपेयर्ड द स्नेक विद द प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, उन्होंने संसार के निर्माता से उस सर्प की तुलना की. लास्ट जो क्वेश्चन है इसका, द स्नेक लुक्ड इनटू द मिरर, शीशे में देखा उस स्नेक ने स्वयं को. व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर लेखक के अनुसार क्या द स्नेक वुड हैव बीन थिंकिंग, क्या सोच रहा होगा. तो द स्नेक वुड बी थिंकिंग एंड एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, तो शायद वो अपनी ही सुंदरता का
प्रशंसा कर रहा होगा। ये है इस पार्ट का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसको लिख लें। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द स्नेक एंड द मिरर। तो इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। दिस स्टोरी इज अ फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस ऑफ ए होम्योपैथिक डॉक्टर। डॉक्टर कहता था होम्योपैथिक था। ही नरेट्स हिज एनकाउंटर विद अ स्नेक। इस पार्ट में वो अपनी भेंट दर्शाता है एक स्नेक के साथ में, इन अ फ्राइटनिंग एंड ह्यूमरस वे, बहुत ही डरावने और एक हास्यास्पद तरीके से। टाइटल ऑफ द स्टोरी, तो द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज जस्टिफाइड, जो इसका टाइटल है बिल्कुल सही है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टोरी इज अराउंड द स्नेक एंड द मिरर, क्योंकि पूरी कहानी है वो इसी के आसपास है। थर्ड हेडिंग, द मिरर अट्रैक्ट्स द स्नेक। तो व्हेन अ स्नेक लैंडेड ऑन द नरेटर शोल्डर एंड क्वाइल्ड अराउंड हिज आर्म, जब वो स्नेक था नरेटर के कंधों पर आ गया और उसने वहाँ पे कुंडली बना ली, तो डॉक्टर वॉज टेरिफाइड, डॉक्टर भयभीत हो गया। बट एट वंस द स्नेक वॉज अट्रैक्टेड बाय द मिरर, लेकिन अचानक वो जो स्नेक था उसकी तरफ खिंच गया शीशे की तरफ देखकर। कंक्लूजन लिखेंगे, देन द नरेटर गॉट एन अपॉर्चुनिटी। इसी बीच में लेखक को मौका मिल गया टू एस्केप, बच के निकलने का। इन दिस वे हिज लाइफ वॉज सेव, इस प्रकार से उनका जीवन बच गया।